भाई जी एक्सयूवी आई है हमारे पास 500। ये जो है इसके अंदर सस्पेंशन में आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा खड़बड़ खड़बड़ की, और ये जो है सर्विस सेंटर गए जाके वहाँ पे पता किया कि भाई इसके अंदर आवाज़ है वो किस खर्चे में जो है ठीक हो जाएगी। तो इनो को जो है बताया गया वहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपये का एस्टिमेट, और एस्टिमेट बहुत ज़्यादा क्योंकि देखो गाड़ी की जो लाइफ है हमारे यहाँ पे 10 साल होती है डीजल गाड़ी की NCR में, और 1.5 से 1.75 साल की, शायद 2 साल तक की जो इसकी लाइफ बची हुई है। अब इस कंडीशन में देखो इतना पैसा लगाना मेरे को तो ठीक नहीं लगता, इसलिए कि भाई किसी की जेब मानती है कि भाई ठीक है कर सकते हैं खर्चा, और किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो मतलब सोचते हैं कि भाई कम खर्चे में काम हो जाए। तो इस वजह से जो है ये यहाँ पे गाड़ी मेरे पास लेके आए हैं, जिससे जो है मैंने इसमें चेक किया गाड़ी के अंदर कि भाई है काम तो सस्पेंशन का। अब मैं इसकी ट्राई लेता हूँ, ट्राई लेने के बाद में और सही तरह से जो इसमें खर्च हो सकता है मतलब कम से कम खर्चे में, यानी कि मान के चलो जो पुर्जा ठीक है वो तो ठीक ही रहेगा और जो ख़राब हो चुका वो सिर्फ हम चेंज करेंगे, तो उतने काम के अंदर क्या इसमें खर्च आ सकता है वो हम एक बार जो है देख के और इनको बताएँगे और फिर काम शुरू करेंगे, दिखाएँगे आपको आगे। ये आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ऑन रोड है, ये जो है आगे रोड जो है काफ़ी जर्किंग वाला है, मतलब गड्ढे वड्ढे हैं जरा मरा से, और मैं इसमें आपको सुनाई देगा, देख सकते हैं गाड़ी चल रही है और ये घड़ 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 घड़, मतलब स्टीयरिंग मैं पकड़ रहा हूँ तो उस पर भी जो है वाइब्रेट ठक ठक करके जो है मतलब वाइब्रेट है, आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, शायद कैमरे के अंदर वीडियो के अंदर जो है आवाज़ क्लियर आए नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही है, आप भी सुन सकते हैं। तो इसमें देखते हैं नीचे सस्पेंशन है पूरा कंप्लीट निकालेंगे बाहर गाटरी वगैरह, और क्या क्या काम उसके अंदर जो है नया डलेगा सामान, क्या क्या जो है वही यूज़ हो सकता है वो भी चेक करेंगे। तो मतलब गाड़ी पुरानी हो गई है 2 साल जो है डीजल, मतलब 8 साल के करीब इसकी हो चुकी है लाइफ, यहाँ पे NCR में 10 साल चलती है, तो 2 साल के हिसाब से हमने इसमें खर्च करना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई जी बताते हैं आपको कि इसमें करना क्या है, वैसे मैंने थोड़ा ध्यान दे लिया है सस्पेंशन पे, तो जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये आप उस देख रहे हैं ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है चिमटे का आर्म का ये वाला बुश है, आपको नज़र आएगा थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ ये वाला, इसके अंदर बुश तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे गोली है चिमटे की, नीचे ये इस चीज़ में दिख रही है आपको, ये देखो ये चिमटे की गोली है, तो ये भी बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चिमटा हो गया हमारा आर्म जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक। उसके बाद में अब आ जाते हैं ये लिंक रोड है, ये आप देख सकते हो ये वाली, इसके अंदर प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो बॉल जॉइंट है इसका ये वाला लूज है, ये वाला है, ये वाला भी लूज है, तो ये पूरा जो है लिंक रोड ये हम चेंज कर देंगे। और ये है जंपिंग रोड, ठीक है, इसकी जो है यहाँ पे ये बुश लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये बुश है दोनों तरफ होते हैं लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये बुश जो है ये भी लूज हो चुके हैं, ये भी हम चेंज कर देंगे। मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो आप ये चीज़ देखते हो आप, ये सॉरी ये वाली, ये स्टीयरिंग एंड, ये जो घूम के आ रहा है ये वाला, ये स्टीयरिंग एंड है, ये इतना पार्ट होता है यहाँ तक का ये वाला, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर प्ले है। दूसरा फिर ये चलो हम चेंज कर देते बाहर से, लेकिन ये पूरा स्टीयरिंग हमें इसलिए खोलना पड़ेगा, ये जो स्टीयरिंग है ये स्टीयरिंग असेंबली है पूरी, अंदर तक आपको नज़र आएगी, ये देख रहे हो ना, ये पूरी असेंबली है, ये गाटरी के ऊपर होती है तो ये खुल जाएगी गाटरी, इसको खोलने गाटरी की जरूरत नहीं है, गाटरी के ऊपर से स्टीयरिंग हम निकाल सकते हैं, कुछ जो है फिटमेंट है चीज़ें वो हमें हटानी पड़ेंगी तो हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बॉल जॉइंट है यहाँ पर, इसमें भी लूजनेस है, और बूट वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। मेन जो है स्टीयरिंग के अंदर जो रैक है, रैक के बुश जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनमें प्ले है, जिसके कारण ये गड़बड़ गड़बड़ जो स्टीयरिंग पकड़ने में भी जो है वाइब्रेट कर रहा था, तो वो चीज़ है ये, ठीक है। तो मेन जो है इसका स्टीयरिंग रिपेयर कराएंगे, कुछ पार्ट इसके अंदर नए डालेंगे, लिंक रोड डालेंगे, जंपिंग रोड बुश डालेंगे, और आर्म जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। और शोकर पे आते हैं, शोकर का जो है सिस्टम देख सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा जो है ना शोकर काफ़ी पुराना होने के कारण इसके ऊपर ना यहाँ पर अंदर ये आप देख सकते हैं मोंट लगता है यहाँ पे शोकर मोंट, तो वो भी चेंज करेंगे हम। शोकर जिस टाइम खुलेंगे तो वो आप चेक कर लेंगे कि अभी शोकर की स्थिति क्या है। ये आप देख सकते हो ये जो है ये 3 बोल्ट ऊपर भी होते हैं शोकर के, और इसके नीचे यहाँ पे मोंट लगा होता है, तो मोंट तो ख़राब है ही, बाकी शोकर बाहर निकलेंगे तो चेक हो जाएंगे कि भाई उसके अंदर कुछ आवाज़ है या कुछ कमजोरी है शोकर के अंदर, वो दिखाएंगे आपको खुलने के बाद में, ठीक है। तो शुरू करते हैं काम, और खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो बाद में दिखाएंगे आपको बना के जिस वक्त पार्ट बाहर निकलाएंगे। प्रोसेस हमारा यहाँ तक पहुँच गया है कि देखो नीचे से हमने स्टीयरिंग वगैरह सब गाटरी में से निकाल लिया है, लिंक रोड वगैरह जो है ये अपना जंपिंग रोड वगैरह दिखाते हैं आपको कि कहाँ आ चुकी है।
ये हमारे शोकर हैं, दोनों बाहर आ चुके हैं देख सकते हैं। और ये अपना जो है जंपिंग रोड है, इसके बुश ये जो है ख़त्म हो चुके हैं, ये नए डलेंगे। और ये है अपना स्टीयरिंग असेंबली, जो रिपेयर होने के बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, अंदर से नई के तरह काम करेगी फिर वो। इसमें जो भी सील वगैरह लीक है या रैक बुश वगैरह जो भी बनने हैं वो सब बनवा देंगे। और लिंक रोड आप देख सकते हैं, देखो इसमें दिक्कत क्या है, देखने में वैसे कुछ पता नहीं लगता, लेकिन ये देखो छोड़ दिया मैंने, अपने आप ही आ रहा है, देखो छोड़ते के साथ अपने आप। ये बिल्कुल अंदर से खटा मतलब ख़राब हो चुके हैं, तो ये चीज़ें जो है नहीं डलेंगी, लिंक रोड नहीं डलेंगे। इसके अंदर जो है ये यहाँ पे माउंट होता है, ये शोकर खुलेगा मशीन पे, खुलने के बाद में शोकर की जो चिक है प्रेशर है वो चेक हो जाएगा कि भाई उसके अंदर जो है कुछ कमी है या नहीं है, जो भी है। अगर शोकर ठीक होंगे तो यही यूज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें डल जाएंगी, ये सब कटे हुए हैं इसके बुश वगैरह। ये बूट है, रबड़ बूट है इसका, अंदर जो सेफ्टी रखता है, अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए शोकर के अंदर, ठीक है। और ये माउंट है, ये माउंट वगैरह तो नहीं डलने की हमारी मतलब कोशिश है कि भाई खुलेंगे तभी पता लग जाएगा, वैसे आवाज़ है इनके अंदर। और ये बूट वगैरह जो है ये सब जो है डलवा देंगे नए। तो देखो कंपनी में क्या होता है, ये जो इसके अंदर दिक्कत थी खटपट की जो आवाज़ें थी, उस कंडीशन में जो है कंपनी वाले 60-70 हज़ार रुपये बना देते हैं, क्योंकि सारे पुर्जे नए डालते हैं वो। और हम क्या है, हम इसको रिपेयर कराते हैं, पुर्जे जो ख़राब है वो डल जाएंगे अंदर से, उसके अंदर पार्ट भी डल जाएंगे, कंप्लीट डालने की ज़रूरत नहीं होती। और जो चीज़ बच सकती थी वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, दोनों साइड के आर्म बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। तो जो रिपेयर हो सकता है वो रिपेयर कराएंगे, जो नया डलेगा वो नया डालेंगे, ठीक है। तो खर्चा जो है टोटल में जो है लास्ट में ही पता लगता है रिपेयरिंग का कि भी क्या हो चुका है। पहले अंदाजा है भाई 10-12 हज़ार रुपये मैंने इनको बताया था रिपेयरिंग में खर्चा आ जाएगा, और यही चीज़ जो है 50-60 हज़ार रुपये कंपनी वाले लगा सकते थे इसमें, ठीक है। हम रिपेयर करके इतने में खर्च कर देंगे और वो सारा नया डाल के इतने में वो करते हैं एडजस्टमेंट, बाकी आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं आप जो है शोकर हमने इसमें नए डला दिए हैं, और बूट भी इसके साथ जो है नया डल गया है। माउंट वही पुराना है, क्योंकि माउंट के अंदर आवाज़ नहीं थी। आप ये देख सकते हैं इधर भी जो है शोकर नया है, और ये जो है माउंट हमने इसलिए पुराना रखा कि भाई इसके अंदर कोई कंप्लेंट ही नहीं थी, जो आवाज़ हम महसूस कर रहे थे वो इसकी नहीं थी, शोकर की थी। क्योंकि स्प्रिंग हटने के बाद में शोकर की जो डबक थी वो महसूस हुई कि हाँ यहाँ पे आवाज़ है, तब हमने जो है शोकर को चेंज किया, रिप्लेस किया है। और माउंट और बैरिंग इसके अंदर जो होता है वो वही है, ये आप देख सकते हो, ये प्ले है इसके अंदर स्टीयरिंग रैक के अंदर। जब गाड़ी चलती है गड्ढे वगैरह आते हैं तो ये जो है रैक ऊपर नीचे खट खट करके आवाज़ करता। अब ये हमने रिपेयर कराना है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ बुश वगैरह शीले वीले होती हैं, तो ये जो है स्टीयरिंग रिपेयर करने वाले का काम है, हम वहाँ पे करा के लेके आते हैं। ये स्टीयरिंग असेंबली है, दिखाते हैं आगे। ये रिपेयर करवा चुके हैं हम, स्टीयरिंग असेंबली जो है रैक के अंदर से बुश और शीले वगैरह जो है वो हमने कम्प्लीट डलवा दी है इसके अंदर। अब गाड़ी में फिटमेंट करते हैं इसमें बाकी चीज़ें असेंबल करके। तो इसका जो है हमने कंप्लीट काम सस्पेंशन का कर दिया है, और अब इसकी जो है अलाइनमेंट कराएंगे गाड़ी की। गाड़ी की अलाइनमेंट कराने के बाद में अच्छे से ट्रायल लेंगे, ट्रायल लेने के बाद में अगर कोई कमी हमें नज़र आएगी महसूस होगी तो आपसे साझा ज़रूर करेंगे, और कोई कमी नहीं है तो फिर हम गाड़ी को कस्टमर को सौंप सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से काम ओके हो चुका है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि भाई कम से कम खर्चे में क्या काम हम कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी जो इसमें काम होता है, जैसे मान के चलो कि भाई हमने शोकर इसमें बदले हैं और माउंट की आवाज़ हमें महसूस हो रही थी, माउंट ठीक थे तो हमने माउंट को नहीं बदला, और इस तरह से जो है और भी स्टीयरिंग के अंदर भी रैक के अंदर आवाज़ थी, और जो एंड बाल जॉइंट जो है वो हमने इसके चेंज किए हैं, लिंक रोड जो है वो भी चेंज किया है। तो इस तरह का जो काम है वो हमने किया इसमें जो ज़रूरी था, और जो ज़रूरी नहीं होता कि भाई ये चीज़ें चल सकती है तो वो हमने चलाई भी है, क्योंकि पूरा सस्पेंशन हम चेंज नहीं कर रहे, हमने रिपेयर किया है। तो ये चीज़ जो है हमने दिखाई आपको कि भाई क्या क्या हमने इसमें काम किया है। तो हमारा अगर काम करने का तरीका आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।